गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं स्टार रेटिंग में होंगे। तो पहला इसमें है लेवल एवेलुएशन। ऊर्जा रेटिंग लेवल उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद की ऊर्जा दक्षता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये दो प्रकार के हैं, तुलना लेवल और समर्थन लेवल। तुलना लेवल उपभोक्ताओं को समान उत्पादों की ऊर्जा खपत और जीवन काल की लागत को उनके क्रय निर्णय लेने में तुलना करने की अनुमति देता है। और इसमें भी शामिल है ऊर्जा रेटिंग लेवल, स्विमिंग पूल पंप लेवल, जॉन्ड ऊर्जा रेटिंग लेवल JDRL। ऊर्जा रेटिंग लेवल और जॉन्ड ऊर्जा लेवल अनिवार्य तुलना लेवल कर रहे हैं। स्विमिंग पूल पंप लेवल की स्वैच्छिक तुलना लेवल भी है। एंडोर्समेंट लेवल जैसे ऊर्जा स्टार लेवल भावी खरीदारों को सूचित करने के लिए अनुमोदन की मुहर प्रदान करते हैं। और उत्पाद अपनी कक्षा के लिए अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। ऊर्जा लेवल, ऊर्जा स्टार लेवल ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विनियमित नहीं है। ऊर्जा रेटिंग लेवल E3 एनर्जी रेटिंग लेवल टेलीविजन के लिए एनर्जी लेवल रेटिंग की 6 स्टार और 10 स्टार। एनर्जी रेटिंग लेवल विशेष उपकरणों और ऊर्जा के ऊर्जा प्रदर्शन को दर्शाता है। यह उपभोक्ताओं को यह समझने की अनुमति देता है कि किसी विशेष मॉडल को चलाने के लिए कितना खर्च होगा, और यह भी बताएगा कि समान मॉडल की तुलना में कितना ऊर्जा हो सकता है। एनर्जी इफिशेंसी मैटर क्यों करता है? ऊर्जा कुशल उपकरण समान आकार या दक्षता वाले समान मॉडल के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए कम बिजली का उपयोग करते हैं। एक मॉडल जितना अधिक कुशल होगा उतनी ही कम ऊर्जा का उपयोग करेगा। और इसे चलाने के लिए आपको कम खर्च करना पड़ेगा। लेवल उपकरण, हम इन उत्पादों को लेबल करते ताकि सूचना बिक्री के बिंदु पर उपलब्ध हो। यह उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखने की अनुमति देता है कि उपकरण को चलाने के लिए कितना उपकरण खर्च करना होगा, यह तय करना है किस मॉडल को खरीदना है। लेबल उपभोक्ताओं और उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सरकार और उद्योग की पहल का हिस्सा है जो अधिक ऊर्जा कुशल है। जैसे ही उन उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ती है, निर्माताओं को इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक ऊर्जा कुशल मॉडल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा रेटिंग लेवल अक्सर न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के साथ काम करता है। न्यूनतम मानक ऊर्जा प्रदर्शन का एक न्यूनतम स्तर स्थापित करते हैं जो उत्पादों को उपभोक्ताओं से बेचे जाने से पहले मिलना चाहिए। न्यूनतम मानक कम से कम कुशल उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ाकर बाजार पर उपलब्ध उत्पादों की औसत दक्षता में सुधार करते हैं। किन उत्पादों को लेबल करने की आवश्यकता है? एयर कंडीशनर, कपड़े धोने वाले, कपड़े सुखाने की मशीन, डिशवॉशर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और कंप्यूटर मॉनिटर, ये जो है इन पे लेबल लगते हैं। महत्वपूर्ण, एनर्जी रेटिंग लेवल का उपयोग मॉडलों की तुलना करने के लिए मॉडल समान आकार या दक्षता के होना चाहिए। ऊर्जा खपत चित्र, एनर्जी रेटिंग लेवल एक अनुमान प्रदान करता है कि एक वर्ष में उपकरण कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा। यह औसत उपयोग के बारे में मान्यताओं पर आधारित है और उपभोक्ताओं को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि उन्हें उस उपकरण को चलाने में कितना खर्च आएगा। हालांकि वास्तविक ऊर्जा खपत इस बात पर निर्भर करेगी कि एक उपकरण का उपयोग कैसे किया जाता है और इसे कितनी बार उपयोग किया जाता है। जलवायु जैसे कारक कुछ उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। स्टार रेटिंग, एफिशिएंट एप्लीकेशन यूज लेट इलेक्ट्रिसिटी टू अचीव द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर मॉडल विद द सेम साइज ऑफ कैपेसिटी। द मोर एनर्जी एफिशिएंट ए मॉडल द लेस एनर्जी इट विल यूज एंड लेस इट विल कॉस्ट यू टू रन। वाट डू द स्टार मीन, इसका क्या मतलब है? द लेबल ऑन टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर कैन शो ए मैक्सिमम ऑफ 10 स्टार। दिस इज द लेस्ट इफिशियंट मॉडल हैव 1 स्टार एंड विल द मोस्ट इफिशियंट मॉडल कैन हैव टू 10 स्टार। वेयर आर ए मॉडल ऑफ 6 स्टार और लेस, इट विल डिस्प्ले ऑन द लेबल आउट ऑफ 6 स्टार एंड सोन इन दी हाफ स्टार इंक्रीमेंट। सुपर इफिशियंट मॉडल ऑफ 7 to 10 स्टार हैव दी एडिशनल स्टार सोन इन द बैंड अबव द रेगुलर 6 स्टार लेवल। देर आर नो हाफ
स्टार इंक्रीमेंट अबाव 6 स्टार टू प्रोडक्ट एंड विद 6 to 10 स्टार आर शोन इन सिंगल स्टार इंक्रीमेंट। हाउ आर स्टार रेटिंग कैलकुलेट? द स्टार रेटिंग ऑफ एन एप्लीकेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एनर्जी कंजम्पशन एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट। इफ यू थिंक ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर एग्जाम्पल ए मॉडल, कूलिंग एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी पर यूनिट एनर्जी इट कंज्यूम। फॉर ए टेलीविजन, ए मॉडल एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द स्क्रीन साइज। एल्गोरिथम एलोकेट द लोएस्ट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट 1 स्टार परफॉर्मेंस इन मोस्ट इंस्टेंस एंड बेटर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट आर अबाउट 4 स्टार। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी फाउंड ऑन द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच एप्लीकेंट। द एप्लीकेंट्स रेलिवेंट टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड डिफाइन दीज एल्गोरिथम और टेस्ट प्रोसीजर फॉर मेजरिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। एप्लीकेंट मस्ट मीट दीज क्राइटेरिया बिफोर दे कैन बी ग्रांटेड एन एनर्जी रेटिंग लेवल। ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन एप्लीकेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम हैज़ मेड द मैनी ऑफ प्रोडक्ट मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर 4, 5, 6 स्टार ऑन देयर लेवल। द लेवल डिजाइन फॉर ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी हैज़ नाउ बीन चेंज टू इनकॉर्पोरेट अप टू 10 स्टार रेदर दैन ए मैक्सिमम ऑफ 6 स्टार। दिस इंट्रोड्यूस ए टफर स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्टार रेटिंग विच प्रिवेंट क्लस्टरिंग एंड इनकरेज मैन्युफैक्चर टू कीप इम्प्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेंट्स। द स्टार रेटिंग ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स आर रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द स्टार रेटिंग फार्मूले आर चेंज अप्रूव एप्लीकेंट्स एनर्जी इम्प्रूव। वाई इज दिस लेवल नीडेड? वाई प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन गैन अकर फ्रॉम एक्साइटिंग प्रोडक्ट बींग सोल्ड एंड प्रमोटेड इन रीजन वेयर दे विल वर्क मोर एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली। द डिस्प्ले ऑफ जॉन बेस्ड इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू मैन्युफैक्चर टू इनोवेट एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड डेट आर टारगेटेड टू पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। डेट आर करेंटली कैन नॉट बी क्लियरली इंडिकेट फ्रॉम द करेंट एनर्जी रेटिंग लेवल। ए जॉन एनर्जी रेटिंग लेवल प्रोवाइड्स कंज्यूमर एडवाइजर एंड मैन्युफैक्चरर्स विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू सेव एनर्जी, सेव ऑन रनिंग कॉस्ट एंड रिड्यूस इमिशन थ्रू मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू देयर लोकेशन एंड सर्कमस्टेंस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट एवरेज फॉर स्टार रेटिंग। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।